देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के नेतृत्व संकट को लेकर पार्टी के महासचिव मोतीलाल वोरा से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता रुपेश गुप्ता ने। इसके वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कांग्रेस की राजनीति पर बात करते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष कौन है इसको लेकर के भी अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी हैं लेकिन कब कार्य समिति की बैठक होगी, जो CWC की बैठक है, और फिर क्या होगा? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जब होगी उस वक्त उसमें निर्णय हो जाएगा, अभी बैठक की कोई तारीख तय नहीं हुई है। तो ये नेतृत्व का संकट कांग्रेस के सामने है जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है? संकट तो है और हम सब लोगों की कोशिश यही है, माननीय राहुल गांधी जी इस पर पुनर्विचार करें, लेकिन उनका जो 5 जुलाई का पत्र है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप लोग अध्यक्ष चुनाव कर लो। अब देखते हैं, जब बैठक तय होगी तब उसके पहले विचार हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और कि अध्यक्ष तो राहुल गांधी के बाद कोई नया बनेगा, लेकिन बीच में चर्चा ये है कि अंतरिम अध्यक्ष आप हैं, चूंकि पार्टी के सबसे सीनियर महासचिव आप हैं, इस नाते ऐसा है कि जो कांग्रेस का संविधान है उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी होगा वो इंटरिम अध्यक्ष होगा, लेकिन सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी के बारे में किसी को अभी तय करना है। तो ये जो अगली CWC की बैठक होगी उसमें नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा? हाँ, हमारा भरोसा है कि हम बराबर उसमें नए अध्यक्ष के बारे, पहले तो हम राहुल जी को निवेदन फिर करेंगे कि वे पुनर्विचार कर लें और उसके बाद अगर वो मान जाते तो बहुत अच्छी बात होगी कि आने वाले समय में 4 राज्यों के चुनाव भी हैं और नया जो अध्यक्ष बनेगा उस पर भी काफी जिम्मेदारी, लेकिन अगर मगर का सवाल नहीं, अभी तो सवाल है कि हम राहुल जी को राज्य करें। अच्छा, एक और चीज कि जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दे दिए लेकिन उसके बाद भी काम उनका चल ही रहा है, तो थोड़ी सी स्थिति अस्पष्ट है कि दरअसल किस जिम्मेदारी पे कौन काम कर रहा है? जो जहाँ थे वो लोग सब काम कर रहे हैं, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है और त्याग पत्र दिया है, लेकिन कांग्रेस का काम तो रुकता नहीं है, जिसके पास जो जिम्मेदारी है जिस प्रदेश की वो वहाँ काम कर रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की सरकार कैसा परफॉर्म कर रही है, चूंकि आप खुद छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दे रही, मुख्य रूप से आज जो धान की खरीदी है जो केंद्रीय पूल के अंतर्गत आता है वो हम दे रहे हैं 2500 रुपये प्रति क्विंटल और वो बहुत कम दे रहे हैं। एक तरफ तो किसानों की बात भारतीय जनता पार्टी है, उनकी सरकार बहुत करती है, लेकिन किसान के साथ में कितना अन्याय हो रहा है ये इसी उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ तो मिट्टी तेल के बारे में सब लोग आज चर्चा कर रहे थे कि मिट्टी तेल का कोटा भी सरकार ने कम कर दिया है, आखिर सरकार के बनने के बाद में उनको पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार दिखी है, हम समझते हैं कि उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो मध्याह्न भोजन है उसमें कुपोषण को दूर करने के लिए अंडे वितरित किए जाएं, इसका व्यापक विरोध भी हो रहा है, आपकी क्या राय? व्यापक विरोध होने के बाद में लोगों ने अपनी राय दी है और राय देने के बाद में अब मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी उस पर विचार करके न्याय संगत निर्णय होगा। व्यक्तिगत तौर पे आप क्या सोचते हैं? मेरा इसमें व्यक्तिगत नहीं उठता, ये तो सरकारी आदेश के अनुसार हो रहा है, बच्चों को अच्छा भोजन मिलना चाहिए, मध्याह्न भोजन, इसमें दो राय नहीं है।
चूंकि विरोध के स्वर कहीं उठे हैं कई जगह से, तो राज्य सरकार ने जिन लोगों ने अपना पक्ष रखा उनकी बात को सुना है और उनकी बात को सुनने के बाद में अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से राज्य सरकार के साथ सेंट्रल जस्टिफाई नहीं कर रही है, और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के क्या स्थितियां हैं वो भी उन्होंने स्पष्ट की। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, कर्नाटका।